नमस्कार दोस्तों, नागालैंड के कोहिमा में आपका स्वागत है। और आज हम जाएंगे चकबामा, जहां पर क्लेवी फैमिली से मिलने हमने जाना है। और वो दिखाएंगे अपना घर जो कि उन्होंने बांस से बनाया है। और आज हम चलेंगे ये सुंदर नज़ारे देखते हुए चकबामा। तो आइए चलते हैं चकबामा में। दोस्तों, चकबामा खूबसूरत नागालैंड का एक छोटा गांव है। और नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है और इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर इस राज्य का सबसे बड़ा वेल कनेक्टेड शहर है, जो पूरी तरह से रेल व हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है, बस सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। नागालैंड की जो सीमा है, पश्चिम में असम से और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। और 2000 की जनगणना के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल है वो 16,579 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या है 19,80,600, जो इसे भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक बनाती है। और इस राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति अपने अलग अलग रीति रिवाजों और भाषा, पोशाक, रहन सहन के चलते एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। हालांकि भाषा और धर्म ये दो सेतु हैं जो इन जनजातियों को आपस में जोड़ के रखते हैं। अंग्रेजी इस राज्य की आधिकारिक भाषा है और यही शिक्षा की भी भाषा इस राज्य में है, जो अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाती है। लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उनकी अपनी भाषा है और वो उसी भाषा में बात करते हैं। और ईसाई धर्म के अनुयायी जो हैं वो भी यहाँ बहुमत में हैं। आर्थिक विकास दर है वो इस राज्य की बढ़ी है और यह पूर्वोत्तर के अंदर सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक बनता जा रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ इस राज्य में होना बाकी है। सड़क निर्माण यहाँ पर अभी ज़ोर शोर से जारी हैं और जिस सड़क से हम जा रहे हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी अभी कच्चे रास्ते हैं। इंटीरियर में जब हम जाते हैं तो सड़कों की विशेष कमी महसूस होती है। देखेंगे चकबामा जाकर किस तरह की संस्कृति है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे घर बनाते हैं और कैसे उनके परिवार रहते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं सुंदर नज़ारा। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत सुंदर दिखती हैं। और अगर नागालैंड की बात हम करते हैं तो ये 1963 में बना था। और दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह के रास्ते अभी तक भी हैं। इंटीरियर की अगर बात करें, ग्रामीण परिवेश की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी विकास बहुत अपेक्षित है। और ये बहुत बहुत खूबसूरत राज्य है और ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुंदर राज्यों में इसका शुमार हो सकता है। यहाँ काम अभी चल रहे हैं और आप नागालैंड में आएंगे तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे सड़क और रोड अभी बनाए जा रहे हैं और यह कनेक्टिविटी एक दिन इस राज्य के विकास का कारक सिद्ध होगी, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि ये बहुत सुंदर राज्य है और प्राकृतिक संसाधन और जो सुंदर प्रकृति यहाँ पर है वह बहुत ही दिलकश है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये राज्य है और जिस दिन यहाँ पर वेल कनेक्टेड ये हो जाएगा हर तरह से, उस दिन यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ेगा। और हम पहुँच चुके हैं दोस्तों चकबामा गांव। यहाँ पे कुछ ऐसे रोड हाईवे बनते हुए हम देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत सुंदर बनाए गए हैं, वो हम दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में। और जिस तरह यहाँ पे काम अब जारी है वह इस सुंदर राज्य को और अच्छी तरह से देश व तमाम दुनिया से जोड़ेगा। और उस तरह की कवायद लगातार हमें चाहूँ वो नज़र आई।
चलते हैं आगे, चक्का बामा यहाँ से कुछ ही दूर है, और वहाँ जाकर देखते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह के उनके घर बार हैं। यहाँ से चल के हम घर पहुँचे हैं। ये बांस का घर बनाया गया है, देख सकते हैं दोस्तों, लकड़ी का यूज किया गया है। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो सर, हेलो बेटा है? हाँ ये मेरा बेटा है। क्या नाम है? ये विकेशव। विकेशव, हेलो। यह केलवी फैमिली है दोस्तों, और ये इस तरह से इन्होंने बांस का घर बनाया है। ये आप देखेंगे पूरी तरह से बांस का घर बनाया गया है। अच्छा सिस्टर हैं? अरे ये दोनों आपके बच्चे हैं? ओके। क्या क्या इनका क्या नाम रखा है? ये गुड़िया है? विके सोनो। विके सोनो। सोनो, ओके। ऐसा लगता है जैसे जुड़वा हूँ। जुड़वा है तो? जुड़वा है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो। अच्छा आप हस्बैंड वाइफ हैं? हाँ हस्बैंड वाइफ। ओके ओके, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं आपके। थैंक यू। ये आपका बांस का घर देख के बड़ा अच्छा लगा मेरे को। नागालैंड में ज्यादातर बांस का ही यूज किया जाता है। हाँ, बांस का ही। अंदर से देख सकते हैं आप? हाँ, आइए। कपड़ा जैसे ही है। अच्छा, अभी टेम्पररी ऐसे बना के रखा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये देखिए नागालैंड का घर। और नमस्कार, ये आपका मम्मी है? ये मेरा मैडम का मम्मी है। अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये पूरी एक भरी पूरी फैमिली है नागालैंड की, और ये देख सकते हैं इनकी बिटिया है। हेलो हेलो। ये पारंपरिक जीवन शैली है नागालैंड की, और चकबामा जगह है ये। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की प्रकृति, और बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। बांस का यूज है वो बहुत खूबसूरत तरीके के साथ यहाँ पे किया जा सकता है। जो ढांचा है वो ऐसे लकड़ी का बनता है, और ऊपर फिर टीन का प्रयोग किया जाता है छत पे। और ये आप देख सकते हैं ये रसोई है, जितना बड़ा हो रहा है ये रसोई किचन बनाया गया है। चलो एक बार एक खुश कर दिया इस बार ने आपको। चलो भाई। दोस्तों नागालैंड में बांस जो है बैम्बो वो बहुतायत में होता है, और यहाँ घर बनाने में भी उसका प्रयोग किया जाता है। ये जो चीज है ये क्या है जी? इसमें रख के चावल सफा करता है। अच्छा, ये बर्तन बर्तन भी बनाया गया एक तरह से, इसको बर्तन कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसमें रख के क्या साफ करते हैं उनको? चावल दाल। हाँ हाँ, ये इसमें रख के साफ। अच्छा, ये ठीक है। जैसे कि दूसरे राज्यों में छाज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आप कितने लोग हैं इस फैमिली में? इस फैमिली में अभी तो यहाँ में मेरा मेरा हस्बैंड जी, और मेरा एक बेटा बेटी जी, और मामी और बहन जी जी जी। आपकी मम्मी जी आए हुए हैं, मैं मिला हूँ उनसे। हाँ। और ये अच्छा है, बहुत अच्छा आप प्रयोग करते हैं। ये वो मेरा हस्बैंड का मामा। नमस्कार, ये आपके मेरा हस्बैंड का मम्मी जी, मेरा सास। आपका सास है? हाँ। ओके, बहुत अच्छा जी। हम देख रहे थे आप कितना अच्छे से ये घर बनाते हैं, और नागालैंड के घर कैसे होते हैं, और कितना अच्छा आपने ये सेटअप किया है, और बांस का जो प्रयोग है वो आपने किया है यहाँ पे, और बहुत अच्छा बनाया है जी। ये देख सकते हैं आप बाहर भी बांस का जो
सुंदर प्रयोग है। हाँ। प्रकृति यहाँ पूरी तरह से मेहरबान है दोस्तों, और बांस का पूरा प्रयोग होता है घर बनाने में भी। और ये टीन की जो चादर है, इनकी जो छत है वो डाल ली जाती है, बाकी लकड़ी का सुंदर प्रयोग किया जाता है। प्रकृति सम्मत घर बनाए जाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये पूरी फैमिली है नागालैंड के चकबामा से। आप मिले कलेवी फैमिली से। मैम आप क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं? हाँ जी, हम हाउसवाइफ हैं। और भाई साहब आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। हम तो आप प्राइवेट जॉब करते हैं? हाँ सर। ठीक है, ये चकबामा है और आप यहाँ रहते हैं? हाँ। पूरी फैमिली के साथ? तो ये आपने कल्चर देखा, बहुत ही अच्छी फैमिली है। और ये आपने रखा है मैम, ये क्या चीज है, ये कौन सा फल है? ये तो इसको, ये तो स्क्वाश है, सब्जी बनता है और चटनी भी बना सकते हैं इसको। ओके ओके ओके। और ये पपाया, ये पपाया है कच्चा। और ये क्या चीज है? ये इंचक। अच्छा, ये सब्जी भी बना के खाते हैं और उसको चटनी भी बना के खाते हैं। ओके ओके। और ये जो छोटा छोटा, ये क्या है, बेर है या आंवला है? आंवला। ये आंवला है, पहाड़ी आंवला। ओके ओके। तो ये यहाँ की स्थानीय जो है वेजिटेबल हैं, जिनको यहाँ पे बड़े चाव से खाया जाता है। और ये कलेवी फैमिली है, माताजी हमारे साथ हैं। और आप जरा बताएंगे किस तरह की लाइफ है यहाँ नागालैंड में? नागालैंड में तो बहुत, क्या बोलेगा, बहुत अच्छा जगह है यहाँ में। सबसे चकबामा या जगह एरिया बहुत अच्छा है जी। कुछ दिकदार भी नहीं है, माने मौसम भी ठंडा भी इतना नहीं, गर्म भी इतना नहीं, बहुत अच्छा जगह जी। जी, मैंने देखा है जब से आया हूँ। हाँ। महिलाएं बहुत काम करती हैं, चाहे वो शहर की बात हो। हाँ। चाहे गाँव की बात हो। हाँ। यहाँ में तो लड़का भी हो लड़की हो अपना मेहनत करता है जी। जी, और नागालैंड में तो लड़की लोग तो खेती काम तो ज्यादा करता है जी। जी, हाँ, महिलाएं मैंने देखा सड़क पे भी देखा है। हाँ, हाँ। पूरा मेहनत खेत का काम भी करती है। सबसे चकबामा में पानी खेती ज्यादा होता है। जी, सूखा खेती नहीं होता है जी। तो पानी खेती में लेडीज का काम ज्यादा होता है जी। जी जी, वही। और यहाँ में तो सब लड़का ही काम करता ज्यादा। जी जी जी, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप भी आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत ही प्यारी फैमिली है। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। नमस्कार, नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय, बाय गाइस। ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये बिटिया कैसे बाय बाय कर रही है, शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। नमस्कार, नमस्कार। तो चलते हैं दोस्तों, और ये हम मिले कलेवी फैमिली से। बाय बाय, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। और अब इन्होंने चाय का इंतजाम कर दिया है हमारे लिए। ये कलेवी फैमिली ने हमारे लिए चाय का इंतजाम कर दिया है। और दोस्तों हम इस खुश मिजाज परिवार के हाथों बनी चाय पीकर आगे बढ़ चले। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।